तनुश्री दत्ता पर अब आया राज ठाकरे का बयान। कहा, मैं जानता हूँ नाना पाटेकर अभद्र हैं, लेकिन तनुश्री दत्ता की वजह से जिस तरह बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मैटू कैंपेन छिड़ गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाएं यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बात करने लगेंगी। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि 10 साल पहले नाना पाटेकर ने उनसे बदतमीजी की कोशिश की थी। यही नहीं, जब उन्होंने इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर से इस बारे में शिकायत की थी, तो राज ठाकरे की पार्टी मनसिर के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोला था। तनुश्री दत्ता के आरोपों के बाद अब पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बयान आया है। राज ठाकरे ने मैटू मूवमेंट पर कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस नहीं की जानी चाहिए। राज ठाकरे महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे पता है कि नाना पाटेकर अभद्र हैं। वो इस तरह की पागलपल भरी हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा, मीडिया इसमें क्या करेगा। केवल सोशल मीडिया पर मैटू बहस का मुद्दा बनकर नहीं रहना चाहिए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैटू की वजह से पेट्रोल के दाम, रुपए में गिरावट और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दबते जा रहे हैं। अगर कोई महिला इस तरह के शोषण का सामना करती है तो वो MINS से संपर्क कर सकती है, हम उनकी मदद करेंगे। महिलाएं शोषण का सामना करती हैं तो उन्हें तुरंत आवाज उठानी चाहिए, ना कि 10 साल बाद। गौरतलब है कि इससे पहले जब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी तो महाराष्ट्र के बीड जिले के एक थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। शिकायत मनसे की जिला इकाई के अध्यक्ष सुमंत धस ने दर्ज कराई है। तनुश्री दत्ता ने मनसे को गुंडों की पार्टी बताया था।